एशिया कप 2023 के पहले मैच में पाकिस्तान का शीर्ष क्रम अनुभवहीन नेपाल की टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान की टीम ने मुल्तान में पहले बल्लेबाजी की तो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन होगा, लेकिन उसका उलट हुआ। पाकिस्तान की टीम ने महज 124 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। इसके बाद कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान को संकट से उबारा। उन्होंने शतक जमाया और सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान की टीम 250 से ज्यादा का स्कोर बनाएगी। बाबर आजम पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 19 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है। पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड पूर्व धुरंधर बल्लेबाज सईद अनवर के नाम है। सईद अनवर ने पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 20 शतक ठोकी है। 28 साल के बाबर आजम ने अपना 19वां शतक जड़ा। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मेजबान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने छठे ओवर में 21 रन पर पहला विकेट खो दिया। फगर जमा को करण केसी ने पवेलियन भेजा। 7वें ओवर में इमाम उल हक 5 रन बनाकर आउट हुए। टीम का स्कोर 2 विकेट पर 25 रन हो गया। इसके बाद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई। मोहम्मद रिजवान 24वें ओवर में 111 रन के स्कोर पर आउट हुए। अगर सलमान भी कुछ खास नहीं कर पाए और 28वें ओवर में 5 रन बनाकर संदीप लमिछानी की गेंद पर पवेलियन लौटे तब टीम का स्कोर 124 रन था। बाबर आजम ने 109 गेंद पर शतक पूरा किया। इफ्तिखार अहमद ने 43 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया। 22वें ओवर की पहली गेंद पर इफ्तिखार ने अर्धशतक सिंगल से पूरा किया। इसकी अगली गेंद पर बाबर आजम ने 2 लेकर अपना शतक पूरा किया। बाबर आजम वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 19 शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए। साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम अमला का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 102 पारी में 19 शतक जड़े। हाशिम अमला ने 104 मैच में 19 शतक जड़े। विराट कोहली ने 124 मैच खेलने के बाद 19 शतक जड़े थे। डेविड वार्नर ने 139 और एबी डिविलियर्स ने 171 मैच लिए थे। बाबर आजम एशिया में वनडे कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा शतक जमाने के मामले में एमएस धोनी के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। बाबर आजम ने कप्तान के रूप में 6ठा शतक जमाया। वैसे एशिया में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक जमाने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम दर्ज है। कोहली ने कप्तान रहते 12 शतक जमाए हैं। बाबर और धोनी 6 शतक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं।